वो जगह थोड़ा आगे है। नक्शा तो अच्छी तरह से देख लिया ना तुमने? हाँ हाँ। और कितना आगे है यार? अभी है थोड़ा आगे। वो जो देख रहे हो ना, इधर ही संभल के आना। चलो अभी इधर से आराम से आ जाओ, आराम से ये इधर से आराम से आ जाओ। क्या यही जगह है क्या? हाँ हाँ आ गया, देखो ये यही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा तुम लोग खोदना शुरू करो और ध्यान रहे मिट्टी के अंदर जो भी चीज मिले उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, ध्यान से बाहर निकालना, ठीक है? ध्यान रखना। हाँ हाँ आराम से। यार मुझे तो इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम लोगों के अलावा यहाँ पर कोई आया ही नहीं। अरे आते भी कैसे, यहाँ लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है, यहाँ के लोग कितने अनजान हैं। अरे यहाँ के लोगों को तो हवा तक नहीं है यार। हम लोगों को भी हवा नहीं लगती अगर उन बच्चों को पुराने बर्तन नहीं मिल गए होते। सही कह रहे हो तुम। अरे ये क्या है? हेल्प करो जरा। लाश लाश, ये तो किसी औरत की लाश है। हाँ यार। आप लोग यहाँ जंगल में कर क्या रहे थे? सर हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट हैं। आर्कियोलॉजिस्ट? जी सर। सर हमें पता चला था कि यहाँ पर जमीन के अंदर बहुत सारी पुरानी चीजें दबी हुई हैं, तो हम लोग वही खुदाई। फिर देख के तो लगता है कि इस लड़की को हाल ही में गाड़ा गया। हाँ सर हम भी हैरान हैं सर कि आखिर इस 300 साल पुरानी कब्र में ये लड़की सर यहाँ आई कैसे सर? वही तो, 300 साल पुरानी कब्र में ये लड़की आई कैसे? ये कोई 300 साल पुरानी लाश तो नहीं? इसे 2-3 पहले ही किसी ने मारा होगा और गाड़ दिया यहां। रेडी आशा, अरे बाहर निकालो इसे। संभाल के इसे मारा। संभाल पता था कि इस जगह पे कोई आता जाता नहीं। सर इसकी बॉडी तो अभी भी गर्म है। क्या? हाँ सर बॉडी गर्म है अभी भी। कहाँ? ये तो जिंदा है। फ्रेडी इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, एम्बुलेंस को बुला। जिंदा लड़की को गाड़ दिया यहाँ पर, चेक करो देखो इसके पॉकेट्स वगैरह में कुछ आइडेंटिफिकेशन मिलता है, अच्छी तरह से देखो। ये बताओ यहाँ इस एरिया में क्या तुमने किसी को देखा घूमते फिरते? नहीं सर ये जगह तो बिल्कुल सुनसान थी। अच्छा किसी को नहीं देखा तुम? कोई भी नहीं था यहाँ पे। ठीक है फिर कोशिश करो, देखो देखो कोई उंगलियों के निशान मिलते हैं क्या यहाँ आसपास। यस सर। कोशिश करो, ढूंढो और उठाओ। अच्छा हुआ बेचारी बच गई, पता तो चलेगा कि किसने किया है, किसने इसे मारने की कोशिश की है।
क्या हो गया डॉक्टर सालुंग के? फोन क्यों नहीं उठा रहे? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ है, कुछ बात है। क्या बात है? सब ठीक ठाक तो है ना? नहीं, यहाँ तो सब ठीक है, लेकिन ये डीएनए रिपोर्ट ठीक नहीं है। क्या डीएनए रिपोर्ट गलत है? ये कैसे हो सकता है? ये उनकी दो डीएनए रिपोर्ट कैसे हो सकती है? सालुंखे, तुझे बहुत काम है मुझे पता है, लेकिन मेरा फोन तो उठा सकते थे। अरे यार, उलझन इतनी है कि फोन उठाने का मूड किसे है? आपको भी उलझन हो सकती है डॉक्टर साहब, ये तो नई बात हो गई। हाँ है अभिजीत, दो दो उलझन है। एक तो ये बॉस, जिस लड़की का इतना खून बह गया वो आखिर जिंदा कैसे बच गई? और दूसरी? दूसरा ये बॉस कि जो कपड़ों पर खून मिला है वो दो अलग अलग तरीके का है, एक तो लड़की का है, दूसरा किसी और का। ये देखो रिपोर्ट, देखो डीएनए। तो इसमें उलझन की क्या बात है डॉक्टर साहब? कपड़ों पर किसी और का खून लग गया होगा। अभिजीत, इन कपड़ों पर जो दूसरा खून है वो इतना ज्यादा है कि इसे देख करके लगता है वो इंसान तो बच ही नहीं सकता। पर सर, जहां हमें ये लड़की मिली है उसके आसपास तो हमें कोई भी सुराग नहीं मिला। ये भी तो हो सकता है कि उस लड़की पर हमला कहीं और किया गया। तो ज्यादा दूर नहीं होगी वो जगह, आसपास ही होगी। अभिजीत, ये जो खून लगा है इस लड़की के कपड़ों पर, इस पर हमें मिट्टी मिली, लेकिन ये मिट्टी कब्र से निकली मिट्टी से अलग है। अलग तरह की मिट्टी? यस। ये अलग तरह की मिट्टी आई कहां से? एक बार इस लड़की की याददाश्त वापस आ जाए ना, तो पता चल जाएगा कि ये कहां कहां गई थी, क्या क्या हुआ था इसके साथ, और वो दूसरी लाश है कहां पर। अब तबीयत कैसी है इसकी? खतरे से बाहर है ना? सर, इतनी गहरी चोट लगी है सर में, फिर भी ऊपर वाले ने बचा लिया। क्या चीज मारी होगी इसके सिर पे? घाव को देख करके तो लगता है कि किसी ने डंडा मारा है, लोहे का भी हो सकता है, शायद लगते ही बेहोश हो गई। और खूनी को लगा होगा कि मर गई है। बेचारी दम घुटने से भी मर सकती थी। हमें पहुंचने में काफी टाइम लग गया था, फिर भी ऐसे चमत्कार होते रहते हैं। कई कई केसेस में तो पेशेंट सालों बाद भी कोमा से बाहर आ जाता है। और एक बार ये होश में आ जाए तो हमें पता चल सकता है कि ये वहां पर पहुंची कैसे। सर, ये होश में तो आ गई है और इसकी पल्स भी ठीक चल रही है। हमारे लिए तो बहुत अच्छा होगा कि हम जल्दी से बात कर लें। तुम मेरी आवाज सुन रही हो? सुन रही हो तुम मेरी आवाज? तुम अब ठीक हो, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश करो। मैं कहां हूं? और मेरा सर क्यों इतना चकरा रहा है? देखो, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें
तुम्हें चोट लगी थी और हम लोग तुम्हें हॉस्पिटल लेके आए हैं और इन लोगों ने आपको अच्छा कर दिया है। आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। तुम्हें किसी ने मारने की कोशिश की थी और मैं यहां कैसे? मैं तो उसके साथ थी। उसके किसके? उसके किसके साथ में थी तुम? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आपका नाम क्या है? नाम? हाँ, नाम। मेरा नाम क्या हुआ? क्या था तुम्हारे साथ? तुम कब्र में मिट्टी के अंदर दबी हुई थी। तुम्हारे सिर पे चोट लगी है। तुम्हारे ऊपर किसी ने हमला किया है। प्लीज याद करो ना। Relax, just relax. वो उसे मार देगा। कोई भी किसी को नहीं मार देगा। Just relax. कौन? किसको मार देगा? मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे नहीं मालूम। सर, लगता है खून हुआ है सर, और इसने खून होते हुए देख लिया। वापस वहीं जाके देखना पड़ेगा। और एक काम करो, इसकी फोटो न्यूज़पेपर और टीवी पे दो, शायद कोई पहचान ले इसे। तो जिस कब्र में से वो लड़की मिली थी उसके आसपास का एरिया छान मारा है। एक जगह बची है। इस आदमी ने उस लड़की का यहाँ खून किया है, खोना हो उसे इस जगह के बारे में सब कुछ पता है। हाँ बस, तो कोई इतनी सुनसान जगह पे क्यों आएगा? पर सर, किसी ने तो देखा होगा उस लड़की को यहाँ पे लाते हुए। हो सकता है विवेक उसे रात को लाया होगा। रात को जंगल में देखने वाला कौन है? बैलगाड़ी ऐसे जंगल में? चक्कर खून सी गाड़ी में डाल के लाया गया। देखो बाल, लगता है किसी लड़की के। ये बाल उस लड़की का तो नहीं जो हमें कब्र में मिली, या फिर और लड़की? हाँ विवेक, यहाँ भी खून है। पहिए पे खून लगा हुआ है, पहिए पे मिट्टी लगा हुआ है। एक काम करो विवेक, ये पहिया ले चलो। डॉक्टर सालों के ही बताएंगे कि बैलगाड़ी कहाँ कहाँ घूम के आया है। बालों को जरा टेस्ट ट्यूब में डाल के देखो क्या क्या लगा हुआ है इन पर। जी सर। हाँ सोनाली, ये बैलगाड़ी कहाँ कहाँ से गुजरी ये पता चलना बहुत जरूरी है। मैं एक काम करता हूँ, वो केमिकल लेके आता हूँ। जी।
सुना ले, काम करो जी, इसको जरा टेस्ट ट्यूब में गर्म कर दो। टीचर के बारे में कुछ पता चला? अरे यार, हमेशा घोड़े पे सवार होकर क्या, देख लो ना काम चल रहा है। डॉक्टर सारुंग के? हाँ। यस। ये देख रहे हैं, इस टेस्ट ट्यूब में जितनी भी चीजें थी सब अलग हो गई गर्म होने के बाद। वेरी गुड, देखें। गाड़ी के पहिए पर गोबर लगा हुआ है, गाय का गोबर। गाय का गोबर? देखो बॉस, ये गाड़ी किसी ऐसी जगह से होकर के आई है जहां पर गाय वगैरह पाली जाती है। मतलब सर, काउच है? बिल्कुल, और इस पर जो मिट्टी लगी है बिल्कुल वैसी है जैसे उन कपड़ों पर लगी। सर, इस बैलगाड़ी के पहिए पर से जो बाल और खून हमें मिला है वो उसी लड़की का। तो उस लड़की को बेहोश करके इसी बैलगाड़ी में लाद के लाया गया था। बिल्कुल, उन्हें लगा होगा ये तो मर गई है तो दबा दिया कब्र में। अभिजीत, एक काम करो, पता लगाओ क्या इस कब्र के आसपास कोई गाय भैंस का तबेला है क्या। सुनो, अरे अरे अरे, दूध कल मिलेगा, कल आना, मैं जल्दी ना हो जरा। सुनिए सुनिए, रुकिए, हम लोग सीआईडी से एक केस के बारे में पूछताछ करने के लिए आए हैं। सीआईडी? क्या हुआ सर? सीआईडी के नाम से मुझे बड़ा डर लगता है सर। तो गलत काम करते हो क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर डर क्यों लगता? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे यहाँ से कोई बैलगाड़ी गायब हुआ? नहीं सर, मेरी कोई बैलगाड़ी गायब नहीं है, मेरी गाड़ी तो यहीं पर है। यहीं पर है? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं मैडम, झूठ नहीं बोल रहा, आप स्वयं जाकर देख लीजिए, गाड़ी यहीं पर है। वेट। अच्छा ये बताओ, या आसपास कोई और तबेला है गाय का? सर आप सीधा जाइए, वहाँ कई सारे तबेले हैं। अच्छा कैसे? बैलगाड़ी है अंदर। थैंक्स।
सुनिए, तुम यहाँ के मालिक हो? नहीं भाई, मालिक तो कहीं बाहर गए हैं। क्या काम था? तुम्हारे यहाँ से कोई बैलगाड़ी गायब हुई है? क्यों भाई, क्या बात, क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि हम लोग CID से हैं, और जितना पूछा जाए उसका जवाब दो। अरे नहीं साहब, हमारी डेयरी का मालिक तो बहुत गरीब है। उसके पास तो सिर्फ एक ही बैलगाड़ी थी, वो भी उसने बेच दी, वो योजीना डेयरी को। योजीना डेयरी? ये डेयरी कहाँ से आ गई? इसका नाम तो हमारे रिकॉर्ड्स में भी नहीं है। मैडम, वो डेयरी तो बहुत पहले ही बंद हो चुकी है। अब तक तो उसका रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो चुका होगा, इसलिए शायद उसका कागजों में नाम नहीं है। तो शायद यही वो जगह है जिसके हमें तलाश है। कहाँ पे है ये तबेला? ये वो तबेला हो सकता है जहां से वो बैलगाड़ी आई थी। खाली पड़ा है। अगर यहाँ पे बैलगाड़ी नहीं है तो ये तबेला हमारे काम का है। देखो आसपास कोई बैलगाड़ी है क्या? यस सर। हो सकता है वो गाड़ी यही की है। जरूर उसने उस लड़की को यहाँ पे मारा और उसके बाद उसकी लाश को बैलगाड़ी में डालकर यहाँ से लेके गया। ये क्या है? ईयररिंग? इसका तो सिर कटा हुआ है। हाँ, ताकि किसी को पता न चले कि लड़की है कौन। खूनी इसकी पहचान छुपाना चाहता था। खूनी बैलगाड़ी ले गया, अगर ये लाश हो। इसका मतलब ये है विवेक, जो लड़की हमें कब्र में मिली थी उसका इस लाश से जरूर कोई ना कोई संबंध है। एक आम आदमी इतने हिम्मत नहीं कर सकता इस तरह से सर काट ले। खूनी कोई खतरनाक आदमी है। सारंगी, इसे भी ऐसे ही मारा गया। इसको भी बाकी लड़कियों की जैसे ही मारा गया। ये देखो, गला काटने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। सर, जब आपने ये सर कटी हुई लाश फोरेंसिक में भेजी तो हमें लगा कि ऐसे 3-4 केसेस पहले भी हमारे पास आए हैं जिसमें खूनी अभी भी लापता है। मतलब सभी लड़कियों का खूनी एक ही है? बिल्कुल। सीरियल किलर? लगता तो ऐसा ही है। मगर सर, जो भी इनका खून कर रहा है वो खून करने के बाद इनका सिर क्यों काट देता है? जिनका खून कर रहा है शायद उनकी पहचान छुपाने के लिए। बस मुझे लगता है खूनी का दिमाग कुछ खराब है। लेकिन बावजूद इसके तमाम सबूत मिटा के जाता है, एक भी सबूत बाकी नहीं छोड़ता। अच्छा, सारंगी, ये खूनी चाहे कितने भी टेढ़े दिमाग का हो, खुद को बचाने की चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, हम उस तक पहुंचेंगे जरूर। जरूर सर, इस बार खूनी ने गलती कर दी। जिस लड़की की याददाश्त गई है उससे तो खूनी को जरूर देखा होगा, तो एक बार उसकी याददाश्त वापस आ जाए तो वो खूनी को पहचान देगी। जरूर पहचान। अरे बेटे सुनो जरा। जी अंकल, बोलिए। किसी डॉक्टर से मिलना है आपको?
बेटा ये मेरी पोती का फोटो है, अनन्या का। आप ही लोगों ने अखबार में छपवाया था ना, एक क्या हुआ उसे, मुझे मिलना है उससे। देखिए अंकल, आप रोइए मत, वो बिल्कुल ठीक है, सीआईडी वालों ने बचा लिया उसे टाइम पे लेके आके। बेटा मुझे मेरी पोती से मिलवा दो, मुझसे और नहीं रहा जा रहा। परेशान मत होइए, इनको वार्ड नंबर 4 पे लेके जाओ। आइए अंकल। या? क्या बात? सर, आप लोगों ने जो न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल पर उस लड़की की फोटो दी थी, उसके दादाजी आए हैं मिलने के लिए। अच्छा, कहाँ है वो? अभी वार्ड बॉय लेके गया है उन्हें मिलाने के लिए। क्या वार्ड बॉय लेके गया? क्या सबूत क्या है वो उनके दादाजी हैं? सर सबूत तो कुछ नहीं है, पर हाँ वो बोल रहे थे कि उस लड़की का नाम अनन्या है। लड़की का नाम बता दिया तो उसके दादा हो गए। सॉरी सर, गलती हो गई। बहुत लापरवाह हैं आप लोग। चलो, रिश्तेदार के बहाने कोई जहर वहर दे देगा तो हो गई मुसीबत। माय गॉड, कजन संभालो, विवेक दरवाजा खुला है, देखो पीछे। कैसे हो? किसने किया ये? कौन था वो? पता नहीं सर, कोई बूढ़ा आदमी था, उसने हमें मारने की कोशिश की। संभालो अपने आप को, बुड्ढे की हिम्मत तो देखो, हॉस्पिटल में घुस के हमला किया। निकल गया। अनन्या तुम ठीक हो? विवेक डॉक्टर को बुलाओ। अनन्या, कौन था वो हैं? तुम जानती हो उसे? नहीं। नहीं? एक अनजान आदमी आता है वार्ड बॉय के साथ और तुमने शोर नहीं मचाया? सर वो एकदम से अंदर आया और उसने दरवाजा बंद कर लिया और फिर वार्ड बॉय के सर पे कुछ मारा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो वार्ड बॉय बेहोश हो गया और वो मेरा गला घोटने लगा। देखो डॉक्टर, कितना खतरा है यहाँ पे, कुछ सिक्योरिटी का इंतजाम कीजिए आप। अच्छा, कुछ कह रहा था वो यहाँ पे, कुछ बोला वो? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, रिसेप्शन में उसने तुम्हारा नाम अनन्या बताया, तुम्हें कुछ याद आ रहा है कि तुम्हारा नाम अनन्या है? मेरा नाम अनन्या? शायद तुम्हारा नाम अनन्या है। देखो, जो कोई भी तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है, उसे मालूम था कि तुमने उसे कोई ऐसा काम करते हुए देखा था जो अपराध है, और वो ये नहीं चाहता कि वो बात हम तक पहुंचे। याद करने की कोशिश करो, कौन है वो? वो बहुत बहुत गंदा सा चेहरा था उसका, और चेहरे पे कोई निशान भी था कटा हुआ, कहीं तो देखा है उसे। हाँ हाँ, कोशिश करो, तुम्हें याद आएगा। कहीं कहाँ देखा है, कहीं तो देखा है उसे। हाँ, केक। केक? हाँ। और कुछ? हाँ, एक केक है और क्या है? कुछ लिखा हुआ था उस पर। क्या क्या लिखा था? क्या लिखा हुआ था? हाँ, मार्जोना विशेष टीना। हाँ, मार्जोना विशेष टीना। टीना के लिए मार्जोना की शुभकामनाएं। और कुछ और? और कुछ?
नहीं, और कुछ याद नहीं आ रहा। जस्ट रिलैक्स। सर ये बहुत अब थक चुकी हैं, इन्हें आराम की जरूरत है। तुम घबराओ मत, तुम अब बिल्कुल सेफ हो। नर्स इंजेक्शन लगा दो। शायद ये लड़की किसी पार्टी में थी हमला होने से पहले, जहां पे केक लाया गया था किसी टीना के लिए। सर इस लड़की ने मार्जोना का नाम लिया है, ये मार्जोना शायद किसी कंपनी का नाम होगा सर, और ये टीना शायद वहीं पे काम करती होगी। हो सकता है। काजल एक काम करो, तुम यही रुको, उस वार्ड बॉय ने उस बुड्ढे आदमी को देखा है, स्केच बनवाओ उसका। जी सर। और टीना, स्टीना का पता इस मार्जोना कंपनी से ही चलेगा। मार्जोना लिखा हुआ था केक के ऊपर। एक्सक्यूज मी। हाँ जी बोलिए सर, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? अच्छा मैं अभी रुक के बात करती हूँ। जी बोलिए सर। टीना नाम की किसी लड़की को जानती हैं आप, या आपके ऑफिस में कोई टीना नाम की लड़की है? हाँ सर, टीना इसी ऑफिस में है, अंदर बैठी है। जरा बुलाइए उन्हें, हमें उनसे कुछ बात करनी है। आइए सर, मैं मिलवाती हूँ। टीना मैम, सीआईडी वाले आपसे मिलने आए हैं। टीना घबराओ मत, हम तुमसे कुछ सवाल पूछने आए हैं। मुझसे क्यों? एक खून हो गया, उसके बारे में कुछ पूछताछ करने आए हैं। खून? खून के बारे में पूछताछ? हाँ, कुछ दिन पहले यहाँ पे केक मंगवाया था, उसपे लिखा था मार्जोना विशेष टीना। आपको कैसे पता? मंगवाया था या नहीं? हाँ। इस फोटो को ध्यान से देखो, ये लड़की हॉस्पिटल में एडमिट है, तुम इसे पहचानती? नहीं, मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा। सर क्या मैं देख सकता हूँ? हाँ जरूर, देखिए। मैंने देखा इसे। देखा? कहाँ पे? टीना का पहला दिन था इस ऑफिस में, मैं उसके लिए केक लेने गया था बेकरी में। बेकरी? कौन सी बेकरी? बस आधे ही घंटे में लड़का आता होगा, पहुंचता होगा। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। ये फोटो देख के बताइए आप इसे पहचानते हैं? नहीं साहब, कौन है ये? 24 जुलाई को मार्जोना कंपनी में आपके यहाँ से केक गया था टीना नाम की लड़की के लिए, उसकी नौकरी का पहला दिन था और उसने केक काटा था, याद है आपको? तो उस दिन वो लड़की आपके बेकरी में आई थी क्या? आप लोग हो कौन? सीआईडी। सीआईडी? हाँ। एक मिनट साहब, चेतन जरा इधर आ। आसे। ये लड़की हमारे यहाँ आई थी कभी? अरे सेठ, ये तो वही लड़की है, अरे जो उस लड़की के साथ आई थी, अरे जिसकी ड्रेस पर केक गिर गया था, बहुत चिल्लाई थी मेरे पर। मतलब कोई और भी थी इसके साथ? हाँ, ऑफिस का स्टाफ भी कह रहा था कि उसके साथ कोई और भी औरत है, वही होगी। शायद दोस्त होगी उस लड़की के साथ। कपड़े कैसे पहने थे उस लड़की ने? सफेद रंग का टॉप पहना हुआ था मैडम। सफेद टॉप? हाँ मैडम, हमने उससे कहा भी था कि आपको नया टॉप खरीद देते हैं। एक मिनट, ये देखो, ये टॉप है। हाँ साहब, कपड़े तो यही थे,
मगर इसका सिर काट दिया किसी ने। अच्छा आप ये बताइए कि और कोई भी था उसके साथ? नहीं मैडम, तुमने यहाँ पे किसी ऐसे आदमी को देखा जो इन पे नजर रखे हुए था? नहीं साहब। स्केच को ध्यान से देखिए, इस हुलिये का कोई बुढ़ा यहाँ आसपास नजर आया था आपको? बुढ़ा? ये बुढ़ा कब हो गया? तुम पहचानते हो उसे? अरे हाँ साहब, हमारे यहाँ काम करता है, अमित नाम है इसका। गंदा सा चेहरा है और चेहरे पे कटा हुआ निशान भी है, लेकिन ये बुढ़ा कब हो गया? वो सब छोड़ो, ये बताओ आदमी है कहाँ? अभी अभी फोन करने गया है कोई पीसीओ पर, कोई अर्जेंट फोन करना था उसे। कहाँ है ये पीसीओ? बेकरी के पीछे मैडम। चल के देखते। ये साइकोथेरेपिस्ट अभी तक नहीं आया, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। हाँ डॉक्टर ने कहा था कि 11 बजे तक आ जाएगा, लेकिन अब तो 11:30 बज चुके हैं। नर्स क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना? जी मुझे क्या हुआ, सब ठीक है। ये आपको देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी तबीयत खराब है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो पेशेंट को मैंने पट्टी बांधनी है और इंजेक्शन का भी टाइम हो गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी जाइए। दरवाजा खोलो। नर्स, नर्स, नर्स मेरे बिना पूछे इंजेक्शन मत लगाना, पेशेंट को कुछ हो गया तो। एक पीछे जाके देखो। अरे अरे दरवाजा खोलो। पीछे हटिए। अरे अनन्या, निकल गई यहां से। कितनी बार कहा सिक्योरिटी टाइट करो यहाँ की। मैं अभी रिसेप्शन पे फोन करता हूँ सर, मैं अभी अभी कुछ करता हूँ। करो जल्दी करो। क्या हुआ सर? निकल गई, भाग गई यहाँ से। क्या क्या हुआ सर? वो नर्स अनन्या को एम्बुलेंस में लेकर भाग गई है सर। कंट्रोल रूम में फोन करो, एम्बुलेंस के बारे में बताओ उसे, एम्बुलेंस का नंबर लो यहाँ से। पीसीओ यहीं गई होगा सर। लगता ये पीसीओ है, आसपास तो कोई पीसीओ है नहीं, देखते। क्या हुआ भाई? देखिए भाई साहब, एक आदमी जिसके चेहरे पर कटे हुए का निशान, कटे हुए, बहुत ही गंदा चेहरा उसका, वो आया था यहाँ पर। गंदा सा चेहरा? वो अमित? हाँ अमित, ये पास वाली बेकरी में काम करता है। हाँ हाँ अभी अभी आया था वो यहाँ पे, वो बहुत बेकार आदमी है। उसने किसको फोन किया था, क्या बात कर रहा था, कुछ मालूम है आपको? आप लोग? देखिए हम लोग CID से। CID? हाँ हाँ वो फोन पे किसी से बातें कर रहा था, वो बोल रहा था हम लोग वहीं पे मिलेंगे जहाँ पे मिलने का वादा किया था, वहीं से मुझे ले लेना। एसीपी सर का फोन। हाँ सर। क्या? ओके सर। या क्या हो गया? नर्स और वार्ड बॉय अनन्या को लेकर हॉस्पिटल से भाग गए, एक एम्बुलेंस में बैठाकर। ऐसे कैसे भाग गए? यही तो। वही
ये एम्बुलेंस है 9 8 NX 0009। हाँ सर, तीन तीन टोल नाके तोड़ के भागा है सर ये। देखते हैं कौन। सब लोग संभाल के आस पास ही होगा कहीं पर। सर अनन्या भी उसके साथ वही है, संभाल के। अमित ने ही मारा है इसे। उस अमित ने ही अनन्या पर हमला किया था हॉस्पिटल में। ओह माय गॉड, क्या हुआ? ये तो मर चुकी है। सर, हाँ सुजैन। माय गॉड। सर, नर्स तो गई सर। नर्स को भी मार दिया। सर, ये ड्राइवर और ये नर्स दोनों के दोनों लालच में मारे गए हैं। उन्हें ये नहीं पता कि अमित जैसा खतरनाक खूनी किसी का अपना नहीं होता। सर, वो अनन्या को कहीं और ले जाके मारेगा सर। नहीं फ्रेडी, अगर वो अनन्या को मारना चाहता था तो यहीं पे मार देता और कहीं दूसरी जगह नहीं ले जाकर मारता। नहीं मारेगा वो अनन्या को, जरूर यहीं कहीं आसपास ही होगा। ढूंढते हैं उसे। चलो आ जाओ। घसीटने के मार्क्स। सचिन, फ्रेड, ये देखो, घसीटने के मार्क्स है निशान। यही कहीं आस पास ही होना चाहिए। चलो। मारने के लिए? हाँ, आया था। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। प्लीज, तुम्हें मेरे नाम कैसे पता? मुझे सब कुछ मालूम है तुम्हारे बारे में। तुम प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज, पहली गलती मैं दोबारा नहीं कर सकता। एक बार तुम्हें जिंदा छोड़कर ना बहुत बड़ी गलती की मैं। और तुमने तो मेरी मौत का पूरा सामान भी इकट्ठा कर लिया है ना? मैं क्या बिगाड़ा है? प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज, क्यों मारना चाहते हो मुझे? नहीं, कुछ भी नहीं बिगाड़ा तुमने मेरा। लेकिन प्रिया को मारते हुए तुमने मुझे देख लिया। याद है प्रिया, वो उस दिन बेकरी में तुम्हारे साथ थी? मैं तुम्हें भी मार सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं मारा। तुम्हारा नाम प्रिया नहीं है ना, इसलिए छोड़। प्लीज मुझे मत मारो। मैंने किसी को नहीं देखा। प्लीज मुझे कुछ याद नहीं है। प्लीज मुझे कुछ भी याद नहीं है। सीआईडी वालों को मेरे पीछे लगा दिया, बेवकूफ समझती है मुझे? मैंने किसी को तुम्हारे पीछे नहीं लगाया। प्लीज प्लीज तुम्हारा टाइम पूरा हो गया।
भागता फिर रहे। सर यही है वो जिसने मेरी दोस्त प्रिया को मारा था। मैं इसकी जान ले लेता तो अच्छा होता। जान लेता तू? और कितनी जाने लेगा तू? बताओ क्यों मारा तुमने प्रिया को? मैं प्रिया से प्यार करता था, जान देता था उसके लिए। मैं प्यार करते थे ना तुम उससे, तो फिर मारा क्यों? उसने मुझसे शादी करने से मना करती और मजाक उड़ाती थी वो मेरा। मजाक उड़ाती थी? क्या मजाक उड़ाती थी? कहती थी कि मेरा चेहरा बहुत गंदा है, दुनिया में कोई भी लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी। इसलिए जान ले ली उसकी? और जिस चेहरे पे उसे इतना घमंड था ना, वही काट दिया। और बाकी सारी लड़कियां, उनका क्या कसूर था, उन्हें क्यों मारा? जिस लड़की का नाम भी प्रिया होता था, मेरे सर पे खून सवार हो जाता था उसका नाम सुनते ही। और तुम मार देते थे उसे? इतनी सारी बेकसूर लड़कियों का खून किया है तुमने, तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी।